न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। विराट कोहली की कप्तानी वाली 15 खिलाड़ियों की टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। वेस्टइंडीज दौरे पर जो टीम गई थी लगभग वही टीम को बरकरार रखा गया है, इनमें कुछ खिलाड़ियों को बदला गया है। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। पहला टेस्ट मैच 22 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट कोलकाता में और तीसरा टेस्ट इंदौर में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम में तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और ऑलराउंडर स्टुअर्ट स्पिनी को शामिल नहीं किया गया है। वहीं इस सीरीज के लिए रोहित शर्मा को चुने जाने पर संदेह जताया जा रहा था, लेकिन आखिर में रोहित टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। मुख्य चयनकर्ता के तौर पर अंतिम बार टीम चुनने वाले संदीप पाटिल ने रोहित शर्मा की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि रोहित एक शानदार खिलाड़ी है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की तरफ से कप्तान विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल, मुरली विजय, रोहित शर्मा, आर अश्विन, रिद्धिमान साहा, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, शिखर धवन, अमित मिश्रा, रविंद्र जडेजा और उमेश यादव खेलेंगे। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टेस्ट सीरीज अपने नाम की थी। अब देखना यह है कि न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच जीतने के लिए भारतीय टीम क्या रणनीति अपनाती है। देखते रहिए डीबी लाइव।